हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कच्चे दूध के इस्तेमाल से कैसे अपने चेहरे को बेहद गोरा और निखरा बना सकते हैं। ये नुस्खा बहुत ही असरदार है आपके अनइवन स्किन टोन को निखारने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो ये उसे बहुत आसानी से ख़त्म कर देगा और आपके चेहरे को क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग बनाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये रेमेडी क्या है। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की आपको अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले एक बाउल में हम लोग ऐड कर लेंगे 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध, यानी कि रॉ मिल्क। कच्चे दूध में बेहद मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करता है। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी स्किन केमिकली एक्सफोलिएट होने के कारण हमारी स्किन की जो भी डेड स्किन होती है वो बहुत ही आसानी से हमारी स्किन से निकल जाती है। साथ ही साथ ही दाग धब्बों को भी बहुत आसानी से दूर करता है और स्किन पे नेचुरल ग्लो लाता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 100% प्योर आलमंड ऑयल। ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, दाग धब्बों को मिटाने के लिए बहुत अच्छा होता है, झाइयों वगैरह को मिटाने के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाता है। 1/2 चम्मच इसमें आलमंड ऑयल डाल लें। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप ज़रूर मुझे थैंक करेंगे और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आपको मिलेगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी सिंपल सी रेमेडी से इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे हनी। 1 चम्मच हनी इसमें ऐड कर लें। सर्दियों के मौसम में हनी का यूज़ करने से स्किन बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहती है। सर्दियों में हम सबको प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सूख रही है, ड्राई हो रही है और फ्लेकी स्किन होने लगती है, तो हनी एक नेचुरल स्किन मॉइस्चराइज़र होता है। इसके इस्तेमाल से स्किन बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहती है। लास्ट में हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए और स्किन में एक अद्भुत निखार लाने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है जो कि मैं प्रेफर करती हूँ, एक कॉटन पैड को इसमें इस तरह से डिप करें और इससे अपनी स्किन को इस तरह से इसे अप्लाई करते हुए अपनी स्किन को साफ करते रहें। तो ये तो हो गया एक टोनर वाइज यूज़ करना, इसे टोनर की तरह यूज़ करना और इसे इस तरह से लगा रहने दें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इसे एक फेस पैक की तरह लगाना चाहें तो आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लें या फिर चंदन का पाउडर लें, उसमें 2 चम्मच इस सॉल्यूशन को ऐड करके एक पैक टाइप का बना लें और अपने फेस पे अप्लाई कर लें और 1/2 घंटे के लिए इसे लगा रहने दें। इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसे बना के आप फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो बगैर फ्रिज के भी आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगता है इसे यूज़ करने का। इसे लगाकर इस तरह से अपनी स्किन को पोंछ, सारी गंदगी भी साथ ही साथ निकल जाएगी और ये आपकी स्किन पे अच्छी तरह से लग भी जाएगा। इसे रात भर के लिए इस तरह से लगा रहने दें और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने जब फेस को वॉश करेंगे आपके चेहरे पे एक अद्भुत ग्लो होगा, आपका फेस लिटरली ग्लो कर रहा होगा। इस रेमेडी को रोज़ यूज़ करें, रोज़ डेली इसे अप्लाई करें, आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाएगी और आपका चेहरा दाग धब्बों जो भी होंगे प्रॉब्लम्स, दाग धब्बे वो सब दूर हो जाएंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और फेयर बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, ट्राई दिस और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी किसी भी हेल्पफुल वीडियो को आप मिस ना कर सकें। फिर लौटूंगी एक अमेजिंग रेमेडी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।